हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साइक्लोडेक्सट्रिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस अकॉर्डिंग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइक्लोडेक्सट्रिन्स? बेसिकली साइक्लोडेक्सट्रिन्स आर अ साइक्लिक ऑलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा 1 फॉर लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट एंड लिंक्ड बाय ग्लूकोसिडिक बॉन्ड, एंड इनसाइड ऑफ द साइक्लोडेक्सट्रिन कंसिस्ट लिपोफिलिक सेंटर कैविटी एंड अ हाइड्रोफिलिक आउटर सरफेस। ओके, सो बेसिकली जो साइक्लोडेक्सट्रिन है एक प्रकार के साइक्लिक ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो कि जनरली ये जो है अल्फा 1 फॉर लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट्स जो है आपस में मिलकर जो है साइक्लोडेक्सट्रिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो अगर हम जनरल समझना चाहें तो साइक्लोडेक्सट्रिन जो है एक प्रकार का सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सुगर मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो होते हैं इसमें सुगर के यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। सो सुगर के यूनिट्स मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको जो है ग्लूकोपाइरोनेज कहा जाता है। सुगर यूनिट्स को जनरली ग्लूकोपाइरोनोसाइट्स कहा जाता है। सो यहां पे ये जो ग्लूको है ये जनरली सुगर यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड पाइरोनेज जो है ये जो है ये हमारा जो 6 मेंबर रिंग होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से सुगर के जो है 6 सुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुगर के जो यूनिट्स होते हैं, ये मिलकर जो है एक प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक प्रकार के साइक्लिक ऑलिगोसैकेराइड्स स्ट्रक्चर होगा। तो इसी को ही साइक्लोडेक्सट्रिन्स कहा जाता है। अब साइक्लोडेक्सट्रिन्स के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। सो साइक्लोडेक्सट्रिन्स के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम इसके जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो इसका जो इनसाइड होता है साइक्लोडेक्सट्रिन का, ये लिपोफिलिक जो है एबिलिटी होती है। मतलब लिपोफिलिक जो है वह एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का जो जनरली फैट्स या लिपिड्स में जो है ये डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं। तो इस प्रकार के साइक्लोडेक्सट्रिन्स के जो स्ट्रक्चर है उसका जो इनर साइड है, जो इनर कैविटी है, सेंटर कैविटी है, ये लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब कि ये किसी भी लिपिड्स या फैट में जो है ये घुल सकता है या डिसॉल्व हो सकता है। एंड जो आउटर सेल होता है, जो आउटर सरफेस होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। मतलब कि हाइड्रोफिलिक जो है उस नेचर को कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस का जो जल में, किसी वाटर में या फिर किसी भी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में जो है घुल सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम जनरल समझें तो साइक्लोडेक्सट्रिन्स एक प्रकार के सुगर मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका जो सेंटर कैविटी होता है ये लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का होता है, एंड हाइड्रोफिलिक जो होता है इसका आउटर सर्फेस होता है। मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब ये जनरली जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जो ह्यूमन सलाइवा होता है उसमें मेनली इनका जो है डिजोल्व हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गया साइक्लोडेक्सट्रिन्स का। उसके बाद द साइक्लोडेक्सट्रिन्स आर शेप्ड लाइक अ ट्रंकेटेड कोन रेदर देन परफेक्ट सिलेंडर। ओके, ट्रंकेटेड कोन मतलब कि ये जो है परफेक्ट सिलेंडर इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार के आप देखेंगे जो है एक शंकु टाइप से, एक कोन टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात करें, सो हाइड्रोफिलिक साइक्लोडेक्सट्रिन्स आर कंसीडर नॉन टॉक्सिक एट लो टू मॉडरेट ओरल डोसेज, एंड द मोस्ट कॉमन नेचुरल कंपाउंड अ साइक्लोडेक्सट्रिन्स कंसिस्ट ऑफ 6 अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन, 7 मेंबर रिंग होगा तो वो जो है बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन्स कहलाता है, 8 मेंबर रिंग होगा तो दैट इज नोन एज द गामा साइक्लोडेक्सट्रिन्स ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट्स। सो बेसिकली यहां पे जो है इसके टाइप्स को बताया गया है। जैसे हाइड्रोफिलिक साइक्लोडेक्सट्रिन्स मतलब कि इसका नेचर दो टाइप्स का होता है, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है इसका आउटर सरफेस, इनर सरफेस लिपोफिलिक होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक साइक्लोडेक्सट्रिन्स भी कहा जाता है। सो हाइड्रोफिलिक साइक्लोडेक्सट्रिन्स आर कंसीडर एज नॉन टॉक्सिक। ओके, ये ज्यादा विषैला या जहरीला नहीं होता है। जैसे अगर हम इसको यूज करते हैं तो ओरल मतलब लो से मॉडरेट लेवल में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ज्यादा टॉक्सिक नहीं होगा। एंड द मोस्ट कॉमन नेचुरल कंपाउंड जो साइक्लोडेक्सट्रिन्स है ये बेसिकली ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो कितने ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट से मिलकर स्ट्रक्चर बना है उस अकॉर्डिंग इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है। सो अगर 6 ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट्स मिलकर बना होता है तो उसको अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन्स कहा जाता है, अगर 7 ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट्स मिलकर बना होता है तो उसको बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन्स कहा जाता है, एंड इसी प्रकार अगर 8 ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट्स मिलकर जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको गामा साइक्लोडेक्सट्रिन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके स्ट्रक्चर है, एंड ये जो है इसका बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है। जितना सिंपल वे के साथ अगर आप इसको याद करेंगे उतना ही इजी होगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है। तो साइक्लोडेक्सट्रिन जो है 2 और 3 मार्क्स में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप वहां पे
लिख देते हैं एंड ये सिंपल से स्ट्रक्चर भी अगर आप बना देते हैं तो इनफ होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, एंड इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो साइक्लोडेक्सिन आर नॉन टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमने पहले भी देखा कि साइक्लोडेक्सिन जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, ज्यादा विषैला नहीं होता है। एंड अल्फा एंड बीटा साइक्लोडेक्सिन आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन सलाइवा। ओके, ये जो है हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है इसका आउटर सर्फेस, इसलिए जो अल्फा एंड बीटा साइक्लोडेक्सिन होते हैं ये ह्यूमन सलाइवा में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एंड ऑल साइक्लोडेक्सिन आर व्हाइट इन कलर। ओके, सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑल साइक्लोडेक्सिन आर व्हाइट इन कलर। सो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर एंड ये बेसिक पॉइंट अगर आप लिख लेते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो इनफ होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। सो ये था साइक्लोडेक्सिन का डिटेल एक्सप्लेनेशंस। इससे पहले भी मैंने साइक्लोडेक्सिन का वीडियो बनाया है अपने चैनल में, पर वहां पे आपको जो क्वालिटी होगा नोट्स का वो उतना अच्छा नहीं था। ये बेसिकली मॉडिफाइड नोट्स है, जो पहले का नोट्स था उसमें कुछ चेंजेस करके मैंने मॉडिफाई करके इस नोट्स को बनाया है। सो ये इतना इनफ है। बेसिकली साइक्लोडेक्सिन जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ सेकेंड थर्ड सेमेस्टर्स में भी ये टॉपिक्स है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं, दैट इज पेड, सो आप उसको बाय कर सकते हैं। एंड वहां पे आपको इस यूनिट का जो जिस यूनिट में आपको ये नोट्स मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो ये इस सारे टॉपिक्स के नोट्स जो है आपको उस एक पर्टिकुलर पीडीएफ में मिलेंगे, इन सभी टॉपिक्स वहां पे आपको कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर दूसरे यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो भी आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं एंड पीडीएफ इसको चेक कर सकते हैं फॉर एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के नोट्स के लिए। सो ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट साइक्लोडेक्सिन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस देखने के चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।